गुड मॉर्निंग, मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में देखा था कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, उनका रंगीन होने का कारण है DD ट्रांजिशन। यदि मेटल के पास एक भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर DD ट्रांजिशन होंगे, और ये DD ट्रांजिशन यदि विजिबल रीजन में है तो कंपाउंड कलर्ड होगा। लेकिन बहुत से कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मेटल पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तब भी वे बहुत गहरे रंग के होते हैं, जैसे कि MnO4 है, पोटेशियम क्रोमेट है, इनमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन ये कलर्ड है। इनके इस रंग को हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के द्वारा। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मतलब आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण, यदि एक मेटल डी ऑर्बिटल से या दो एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा या जो हमें बैंड मिलेगा हम उसे कहेंगे चार्ज ट्रांसफ़र बैंड, और जो स्पेक्ट्रम होगा उसे हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इसके अंदर जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो ऑर्बिटल्स के बीच में होना चाहिए। ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए। ये बैंड्स जब हमें मिलते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बैंड्स स्ट्रांग होते हैं और इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इनकी स्ट्रॉन्ग होने का कारण है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस हैं उनके लिए कोई भी सिलेक्शन रूल नहीं होता। इट मीन्स ये जो ट्रांजिशन है वे अलाउड ट्रांजिशन है, और अलाउड ट्रांजिशन की जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए ये गहरे रंग के होते हैं। और कंडीशन है, पता ही है आपको, यदि ट्रांजिशन विजिबल रीजन में है तभी कंपाउंड कलर्ड होंगे। तो एग्जाम्पल हैं KMnO4, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन सब के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस होते हैं। ये चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन जो हैं उनको हम चार क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस, सेकेंड है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस, थर्ड टाइप के हैं इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस, जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर मेटल मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और फोर्थ टाइप के हो सकते हैं इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस। हम इनको एक एक करके लेंगे। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं वो लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस, हम उनको ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लिगेंड से मेटल ऑर्बिटल पर यदि होता है तो उन्हें हम कहेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लिगेंड से मेटल। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? मेटल के जनरली कौन से मेटल्स होते हैं जिनमें ट्रांजिशन हो सकता है? वे ट्रांजिशन जनरली ट्रांजिशन मेटल हैं या पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ये मेन ग्रुप के मेटल्स भी हो सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन या मेन ग्रुप के मेटल्स हो सकते हैं। अब मेटल के पास क्या होना चाहिए? मेटल पर यदि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लिगेंड से मेटल पर हो रहा है, इसका मतलब मेटल जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसका आयनन एनर्जी का मान ज़्यादा होना चाहिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके पास खाली कक्षक होने चाहिए। खाली कक्षक नहीं हुए तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाए। अब जो नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनकी कंडीशन होनी चाहिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए।
आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाले होने चाहिए और मेटल के पास भरे हुए कक्षक होने चाहिए, और ये भरे कक्षक कैसे होने चाहिए, हाई एनर्जी के होंगे। तो क्या हो गया, मेटल नॉन मेटल की कंडीशन क्या हो गई, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, इजीली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, और जो फील्ड ऑर्बिटल हैं वो हाई एनर्जी के होने चाहिए, तभी लिगेंड से मेटल पर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। तो लिगेंड जनरली कौन से होता है, डोनर एटम कौन से हो सकते हैं, वे हैलाइड्स पे हो सकते हैं जिसमें डोनर एटम हैलोजन हो जाएगा, लिगेंड पर ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है डोनर एटम, जिनमें जो ट्रांजिशन होगा वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो सकते हैं। जैसे कि MnO4 है, MnO4 यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसलिए क्रोमेट है वो ऑरेंज कलर का है, और यहाँ पर ये क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HgI2 रेड कलर का है, लेड आयोडाइड रेड कलर का है, ये सब जो है इनके अंदर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है। अब हम इस पर एग्जांपल लेकर करेंगे कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। इसके लिए हमने एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम लिया है और टेट्राहेड्रल के लिए हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, तो हमारे पास इस तरह का अणुकक्षक आरेख आता है। लेफ्ट साइड में है मेटल के ऑर्बिटल्स डी N+1p एंड N+1s एंड p ऑर्बिटल्स। राइट साइड में हमने लिखे हैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स, जो कि लिख रखे हैं हमने A1 T2, जो कि सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, और T1 T2 जो कि पाई ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके अंदर ये T1 जो ऑर्बिटल्स हैं, ये T2 तो प्योरली लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं, और ये T2 जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन इनका नहीं है। A1 और T2 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिगेंड के ज़्यादा पास हैं, तो ये भी लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं। अब बचे ये आपके E और T2 ऑर्बिटल्स जो हैं, T2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये क्योंकि मेटल के ज़्यादा क्लोज हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो इन पर जो हैं ये मेटल ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है T2 से E ऑर्बिटल में मेटल के, T2 से T2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, T1 से E ऑर्बिटल्स के अंदर, और T1 से T2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है लिगेंड से मेटल पर, तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस हैं वो कहलाएंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो यहाँ चार तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं, और वे ट्रांजिशन जो कि विजिबल रीजन में होंगे उसके कारण हमें कॉम्प्लेक्स कलर्ड नजर आएगा। तो ये है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप के जो ट्रांजिशन है वो है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इनके अंदर ट्रांजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, मेटल से लिगेंड पर चार्ज का ट्रांजिशन होगा। तो मेटल कैसे होने चाहिए, कि मेटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड ऑर्बिटल में जाएगा, इसका मतलब मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब जो है मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए, और मेटल के पास भरे हुए डी कक्षक होने चाहिए, क्योंकि लिगेंड के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लिगेंड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास लो एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। और ये ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो सकते हैं, डी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, और पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल है लिगेंड्स के, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, जिनमें
पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन, पिरिडीन, बाइपिरिडीन, एससीएन लिगेंड, इन सब के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स हमने एक एग्जांपल लिखा है, ट्रिस बाइपिरिडाइल आयरन 2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो मेटल के डी ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए अणु कक्षक आरेख है। ये ऑर्बिटल हैं लिगेंड ऑर्बिटल सिग्मा पाई एंड पाई एंटीबॉन्डिंग। उस तरह से मेटल के डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल जो हैं T2G, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सारे, ये सब हैं लिगेंड ऑर्बिटल्स, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा भरे हुए रहते हैं। ये मेटल के T2G ऑर्बिटल्स और मेटल के EG एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें भी डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टेट्रॉन स्प्लिटिंग हो रही है T2G और EG के अंदर। अब यदि लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो मेटल के T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई एंटीबॉन्डिंग में हो सकता है और EG एंटीबॉन्डिंग से पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है। तो जो ट्रांजिशन हो जाएंगे वे मेटल टू लिगेंड, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये हैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स, ये प्योरली लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ से ट्रांजिशन जो होगा तो ये कहलाएगा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। और कंपाउंड यदि विजिबल, वो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। थर्ड टाइप के ट्रांजिशंस हैं जो इंटर मेटल चार्ज ट्रांजिशंस, ट्रांसफर ट्रांजिशंस। इन जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है मेटल वन, एक मेटल के ऑर्बिटल से दूसरे मेटल के ऑर्बिटल में हो सकता है। जब हम K4 Fe-CN6 की रिएक्शन आयरन 3 के साथ कराते हैं तो हमें प्रशियन ब्लू मिलता है, और इस प्रशियन ब्लू बहुत गहरे नीले रंग का है। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन होते हैं वो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस होते हैं। इसी तरह टर्न बेल्स ब्लू है, जिसमें आयरन इसके अंदर बाहर टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनके अंदर भी जो बहुत डार्क रंग के हैं, इनमें भी जो ट्रांजिशन है वो जो है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है। फोर्थ टाइप के ट्रांजिशन जो हो सकते हैं वो हैं आपके इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसके अंदर इंटरलिगेंड के अंदर जो है लिगेंड के एक एटम से, एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड पर ट्रांजिशन हो सकता है, या एक ही लिगेंड के अंदर भी इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन हो सकते हैं। इस तरह के बैंड्स मिलते हैं, लेकिन इस तरह के बैंड्स जो हैं उनको कई बार उनको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो दूसरे और भी ट्रांजिशन, बहुत तरह के ट्रांजिशन होते हैं, उनके कारण हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह के ट्रांजिशन होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से जो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो हैं यदि होते हैं और वे विजिबल रीजन में है तो कंपाउंड कलर्ड होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, इनके लिए कोई रूल, सिलेक्शन रूल नहीं है। इसीलिए ये जो जिनमें ये ट्रांजिशंस होंगे वो कॉम्प्लेक्सेस बहुत गहरे रंग के होते हैं, जबकि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डीप ट्रांजिशंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं लेकिन वो गहरे रंग के नहीं होते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस को या स्पेक्ट्रम को हम सिर्फ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे हम CFT के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमने डायग्राम बीच में बनाया वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इन्हें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन उनमें हमने बताया किस तरह से ट्रांजिशंस हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।